आज हम लोग घड़ी के बारे में, रीजनिंग में घड़ी के बारे में बात करते हैं। तो घड़ी, घड़ी के बारे में मैं आपको बता दूं, घड़ी हमेशा सर्कुलर मोशन करती है। और घड़ी जिस पाथ पर, यानी वृत्तीय पाथ पर गति करती है, उस वृत्तीय पाथ को हम डायल भी कर सकते हैं। घड़ियां मार्केट में विभिन्न प्रकार की आपको बाहर से डिजाइन किया हुआ मिलेगी, लेकिन उसका आप देखेंगे जिस पथ पर वो मोशन करती है, हमेशा वह वृत्तीय पथ पर ही गति करती है। और घंटे के अकॉर्डिंग डायल को 12 घंटे में बांटा गया होता है, और मिनट वाली सुई के अनुसार डायल को 60 मिनट में बांटा गया होता है। तो हम प्रश्न बनते हैं कि घंटे वाली सुई एक मिनट में या एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है। और इसी प्रकार मिनट वाली सुई के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम यहां पर घंटे वाली सुई की बात करते हैं। घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई की बात करते हैं तो हम, मैंने बताया कि ये जो डायल है, जो सर्कुलर, जो वृत्ताकार है, उसको हम डायल बोलेंगे। तो इसको हम बोलेंगे एक सर्कुलर या एक डायल बराबर 360 डिग्री। यानी जो एक डायल होता है वो 360 डिग्री का बना होता है। तो हम यहां पर घंटे वाली सुई की बात करते हैं। तो 12 घंटा बराबर 360 डिग्री, इसलिए एक घंटा बराबर 360 डिग्री अपन 12 36। यानी एक सवाल यहां से आपका फ्रेम हो चुका है। पूछ देगा कि घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब यहीं पर घंटे वाली सुई को पूछ देगा कि एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। मैं अभी घंटे वाली सुई के बारे में बात कर रहा हूं। तो एक घंटा बराबर 60 मिनट हो गया। तो एक मिनट बराबर 30/60, 1/2। यानी एक घंटे वाली सुई एक मिनट में 0.5 डिग्री, यानी 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां से 2 क्वेश्चन। ये तो घंटे वाली सुई के बारे में मैंने बात कर लिया। अब बात करते हैं मिनट वाली सुई के बारे में। मिनट वाली सुई की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि मिनट वाली सुई के अकॉर्डिंग जो डायल है, डायल को या सर्कुलर जो पाथ है, उसको 60 मिनट में बांटा गया होता है। तो 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। तो एक मिनट बराबर 360/60, यानी 6 डिग्री। अब यहां पर देखिए, 60 मिनट को हम एक घंटा भी लिख सकते हैं। तो यहां से भी 2 क्वेश्चन बन गया। तो एक घंटा में मिनट वाली सुई 360 डिग्री के कोण बनाती है, और एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप लोगों को डायरेक्ट याद होना चाहिए कि घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। अब बात करते हैं, अब कोण पूछ देता है घड़ी में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, दोनों सुइयों के बीच कितनी बार सुइयां ओवरलैप कर रही हैं, संपाती हो रही हैं, मिल रही हैं, अपोजिट कितनी बार हो रही हैं। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो एक पहले आप कोण निकाल लें। आप लोगों का एक सवाल है, जैसे थीटा, दोनों सुइयों के बीच थीटा को कैसे हम निकालें, कोण को कैसे ज्ञात करें। जैसे पूछ देगा 7:20 पर,
दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? दोनों सुइयां हम सेकेंड वाली सुई को मार नहीं रहे, उसको हम नगड़ मार रहे हैं। तो 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? जब भी सुइयां रहेंगी, मान लीजिए ए है वही घंटे वाली सुई हो गई, ए मिनट वाली सुई हो गई, तो देखिए इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। तो यही हमसे पूछ रहा है कि 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक आगे देखिए, सबसे पहले थगड़ मार रहे हैं, तो 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? जब भी सुइयां रहेंगी, मान लीजिए ए है वही घंटे वाली सुई हो गई, ए मिनट वाली सुई हो गई, तो देखिए इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। तो यही हमसे पूछ रहा है कि 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक आगे देखिए, सबसे पहले फार्मूला से हम लगाते हैं, तब उसके बाद हम ट्रिक देखेंगे। तो देखिए 60H - 11M/2 60 और 11 सब याद किए होते हैं। गड़बड़ी कब कहां होता है कि हम यहां पहले H को लिखें कि M को लिखें, तो मैं यहां आपको कंफर्म कर देता हूं कि सबसे पहले H आएगा, क्योंकि अल्फाबेट में H सबसे पहले आता है, क्योंकि इसका पोजीशन 8 होता है और M का पोजीशन 13 होता है, यानी सबसे पहले यहां H आएगा और उसके बाद 11M आएगा। अब बटा के हमको क्या करना है, 2। अब यहां पर देखिए 60 तो ये फिक्स है, 60 लिख लिए। अब घंटा है, देखिए घंटा है मिनट है, तो 7 यहां घंटा को गुणा करा दीजिए, उसके बाद घटा दीजिए 11×20, इसको आधा कर दीजिए तो 7×42 420 - 220/2 420 में से 220 घटाएंगे तो 0.02/2 यानी 100। यानी 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच 100 डिग्री का कोण बनता है, बनेगा। अब देखिए इसी को हम ट्रिक्स कैसे बता रहे हैं। पूछा है 7:20 जो घंटे वाली सुई को है उसको हम सेम एज इट लिखते हैं, तो घंटे वाली सुई के ऊपर 7 लिख देते हैं, 7 लिख दिए। अब 20 वाली जो मिनट है, मिनट को हमेशा 5 से भाग देते हैं, मिनट को हमेशा 5 से भाग देते हैं, यहां 20 मिनट दिया है तो 20 में हम 5 से भाग। पूछा है 7:20 जो घंटे वाली सुई को है उसको हम सेम एज इट लिखते हैं, तो घंटे वाली सुई के ऊपर 7 लिख देते हैं, 7 लिख दिए। अब 20 वाली जो मिनट है, मिनट को हमेशा 5 से भाग देते हैं, मिनट को हमेशा 5 से भाग देते हैं, यहां 20 मिनट दिया है तो 20 में हम 5 से भाग दे रहे हैं, तो 5×4 इतना। देखिए मिनट को हमेशा 5 से भाग देते हैं तो यहां लिख देंगे 4, और दोनों का अंतर ले लेते हैं ऊपर से तो बचेगा 3, 7 में से 4 घटाएंगे बचेगा 3। अब इसमें क्या करना है, हमें 30 का गुणा करा देना है। पहले क्या करना है, घंटे वाली सुई को जस का तस ऊपर लिख देना है और मिनट वाली सुई को 5 से भाग देकर उसके ऊपर लिख देते हैं, तो 20 में 5 में भागा देंगे तो 4 आएगा, फिर उसके बाद अंतर लेंगे तो आ जाएगा 3। अब इसके बाद क्या करना है, हमें 30 से गुणा अपने से कराना है, दूसरा प्रोसेस क्या, 30 से गुणा करना, तो यार 30 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद अब जो मिनट वाली सुई है उसे हमें 2 से भाग करके यानी हाफ करके जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा, प्लस क्या कर देना है, 20 का आधा करेंगे कितना आ गया 10, तो 30 यानी 90 प्लस 10 यानी 100 डिग्री। यहां पर देखिए फार्मूला से भी आप लगा सकते हैं, यहां 100 डिग्री आया है, ये ट्रिक से 100 डिग्री। तो अब कितनी बार घड़ियां अपोजिट होंगी, विपरीत कब होंगी, कब मिलेंगी,
अगले दिन हम लोग देखेंगे। जय।